हाय, मैं मुन्ना सर चपरा से। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑन एट तथा इन का प्रयोग सीखने का प्रयास करेंगे। एट ऑन तथा इन का प्रयोग कई अर्थों में होता है, तो आइए देखते हैं एट ऑन तथा इन का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है और कहां होता है। इन का प्रयोग सिचुएशन, प्लेस, ड्यूरेशन तथा लिक्विडिटी को दर्शाने के लिए होता है। जब इनका प्रयोग सिचुएशन को दर्शाने के लिए होता है तब इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। जैसे आप कर्ज में हैं, यू आर इन लोन। वह परेशानी में है, ही इज इन ट्रबल। आपका दोस्त खतरे में है, योर फ्रेंड इज इन डेंजर। जब इसका प्रयोग प्लेस को दर्शाने के लिए होता है तब इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। प्लेस की स्थिति में यह सर्कल तथा बड़े स्थान को दर्शाता है। यहां बड़े स्थान का मतलब शहर से ऊपर, नगर, राज्य, महानगर, देश, महादेश इत्यादि से है। जैसे वो पटना में है, ही इज इन पटना। आपका मित्र बिहार में है, योर फ्रेंड इज इन बिहार। हम लोग इंडिया में है, वी आर इन इंडिया। वह अमेरिका में है, ही इज इन अमेरिका। यहां पर शहर से बड़े की स्थिति में आपने देखा राज्य, देश, महादेश, नगर, महानगर। सर्कल की स्थिति में एक निश्चित घेरे के अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु पक्षी की उपस्थिति का बोध कराने की स्थिति में। जैसे हम लोग खेल के मैदान में है, वी आर इन द प्ले ग्राउंड। वे लोग ऑफिस में है, दे आर इन द ऑफिस। मैं अपने कमरे में हूं, आई एम इन माई रूम। तो प्लेस की स्थिति में आपने देखा बड़े स्थान और सर्कल को दर्शाने के लिए। ड्यूरेशन की स्थिति में इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। जैसे चार दिनों में, इन फोर डेज, दो महीने में, इन टू मंथ्स, जनवरी में, इन जनवरी, 2022 में, इन 2022, दो मिनट में, इन टू मिनट्स। और जब इसका प्रयोग हम लिक्विडिटी को दर्शाने के लिए करते हैं तब इसका शाब्दिक अर्थ से होता है। जैसे दूध से, इन मिल्क। आप लाल स्याही से लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग इन रेड इंक। तेल से, इन ऑयल। तो कुल मिलाकर इन का प्रयोग सिचुएशन, प्लेस, ड्यूरेशन तथा लिक्विडिटी को दर्शाने के लिए होता है। एक बार फिर मैं कोशिश कर रहा हूं इनको ढंग से समझने के लिए। सिचुएशन की स्थिति में इसका शाब्दिक अर्थ में। जैसे हम लोग परेशानी में हैं, वी आर इन ट्रबल। वह खतरे में है, ही इज इन डेंजर। आप कष्ट में हैं, यू आर इन ट्रबल। इसका प्रयोग जब प्लेस के अर्थ में होता है तब इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। यह बड़े स्थान के साथ साथ सर्कल को भी दर्शाता है। बड़े स्थान, नगर के ऊपर, नगर, महानगर, राज्य, देश, महादेश। हम लोग कानपुर में हैं, वी आर इन कानपुर। सोहनडाली में है, सोहन इज इंडाली। सर्कल की स्थिति में वो खेल के मैदान में है, ही इज इन द प्लेग्राउंड। हम लोग अपने क्लासरूम में हैं, वी आर इन आवर क्लासरूम। ड्यूरेशन की स्थिति में इसका शाब्दिक अर्थ में। जैसे चार दिनों में, इन फोर डेज, दो घंटे में, इन टू आवर्स,
जनवरी में, इन जनवरी 2022 में, इन 2022 और लिक्विडिटी की स्थिति में इसका शाब्दिक अर्थ से होता है, वह गर्म पानी से नहा रहा है, इज टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर, आप लाल स्याही से लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग इन रेड इंक। तो उम्मीद है इन आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं एट का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है। एट का प्रयोग टाइम, प्लेस, स्किल, एज तथा पब्लिक प्लेसेस को दर्शाने के लिए होता है। जब यह टाइम को दर्शाता है तब इसका शाब्दिक अर्थ बजे होता है, जैसे 7 बजे एट 7 o'clock, 10 बजे एट 10 o'clock, 11 बजे एट 11 o'clock। जब यह प्लेस को दर्शाता है तब इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। आपने इन में भी देखा है कि इन प्लेस को दर्शाता है, और यहां पुनः आप देख रहे हैं एट जो प्लेस को दर्शाता है। इन दोनों में फर्क इतना ही है, इन नगर, महानगर, राज्य, देश, महादेश को दर्शाता है, जबकि एट गांव, प्रखंड, अनुमंडल तथा शहर तक का बोध कराता है। जैसे हम लोग जलालपुर में हैं, वी आर एट जलालपुर, आप हाजीपुर में हैं, यू आर एट हाजीपुर। जब दो स्थानों की जिक्र, जब प्लेस की बात हो तो इन और एट को लेकर के थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। जब एक बड़े स्थान के भीतर एक छोटे स्थान की जिक्र हो तो उस बड़े स्थान के लिए इन तथा छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे छपरा के प्रभुनाथ नगर में, छपरा बड़ा है और प्रभुनाथ नगर छोटा है, इन छपरा एट प्रभुनाथ नगर। दिल्ली के कनॉट प्लेस में, इन दिल्ली एट कनॉट प्लेस। बिहार के छपरा में, इन बिहार एट छपरा। जब एट का प्रयोग स्किल को दर्शाने के लिए होता है तब इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। जैसे आप फुटबॉल में बहुत अच्छे हैं, यू आर वेरी गुड एट फुटबॉल, वो बोलने में स्लो है, ही इज स्लो एट स्पीकिंग, आप लिखने में तेज हैं, यू आर फास्ट एट राइटिंग, श्याम हिंदी में अच्छा है, श्याम इज गुड एट हिंदी। एज की स्थिति में इसका शाब्दिक अर्थ में होता है। 17 वर्ष की अवस्था में एट 17, 80 वर्ष की अवस्था में एट 80, 90 वर्ष की अवस्था में एट 90। पब्लिक प्लेसेस की स्थिति में इसका शाब्दिक अर्थ में या पर होता है। जैसे मेरी बहन स्कूल में है, माई सिस्टर इज एट स्कूल, मेरे पापा हॉस्पिटल में है, माय फादर इज एट हॉस्पिटल, आपके चाचा जी मंदिर में है, योर फादर इज एट टेंपल। तो एट का प्रयोग टाइम, प्लेस, स्किल, एज तथा पब्लिक प्लेसेस को दर्शाने के लिए होता है। अब आइए देखते हैं ऑन का प्रयोग किन किन अर्थों में होता है। ऑन का प्रयोग सरफेस, डे और डेट को दर्शाने के लिए होता है। सरफेस की स्थिति में इसका शाब्दिक अर्थ पर होता है। जैसे छत पर, ऑन द रूफ, टेबल पर, ऑन द टेबल, रोड पर, ऑन द रोड, सिर पर, ऑन द हेड। जब ऑन डे और डेट को दर्शाता है तब इसका शाब्दिक अर्थ को होता है। जैसे शुक्रवार को, ऑन फ्राइडे, 26 जनवरी को, ऑन 26th January, रविवार को, ऑन संडे। तो उम्मीद है ऑन, एट तथा इन का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एट, ऑन तथा इन के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।